समुदाय से जुड़े बेसहारा लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक संयोजक चमन रही ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधि मंडल ने शहर के पंच मंदिर के समीप पिछले 5 वर्षों से रह रहे बेसहारा लोगों को केंद्र सरकार की योजना के तहत रिहायशी मकान बनाने के लिए भूमि मुहैया करवाने की मांग की। समुदाय से जुड़े बेसहारा लोगों को एक प्रतिनिधि मंडल दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक संयोजक चमन रही ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधि मंडल ने शहर के पंच मंदिर के समीप पिछले 5 वर्षों से रह रहे बेसहारा लोगों को केंद्र सरकार की योजना के तहत रिहायशी मकान बनाने के लिए भूमि मुहैया करवाने की मांग की। दलित नेता चमन रही ने भी बीडीओ मंडी श्रवण मांटे से 3 बेसहारा लोगों को शहर में रास्ती मकान बनाने के लिए भूमि मुहैया करवाने की मांग की। वही मकान बनाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने पर विवश रविदास समुदाय के लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शहर में भूमि मुहैया करवाने की मांग की थी, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय से जिला प्रशासन को इनकी मांग की सुनवाई करने के लिए पत्र आया है। एडीएम मंडी से मिले इस प्रतिनिधि मंडल ने रविदास नगर के कई लोग मौजूद रहे। मैं लालचंद, मेरा नाम है और मैं पंचवतरा मंदिर के पास रहा करता था 40-45 सालों से। तो जो छोटे छोटे थे तो हमारा दरगुजार बहुत अच्छा होता था। अब प्रशासन ने हमको यहाँ से उजाड़ दिए गए हमारे को, और हम अब मारे मारे घूमते हैं। और अब मोदी सरकार को हमने थककर चिट्ठी लिखी थी तो उसका हमको आस बंध गई है। थोड़ा सा हमको चिट्ठी मिली उनकी, आई है वापस, तो इस कर हम ऋषि साहब के पास गए थे और उनसे प्रार्थना भी की है कि हमारे को कहीं भी बसाने के लिए व्यवस्था की जाए। तो मैं प्रशासन का और मोदी सरकार का और हमारे राजा साहब का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ, और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।